Yo, what's up everybody, it's your gamer boy here and welcome back to another gameplay video of Minecraft. So guys, आज हम दोबारा करना ट्रायल एंड खेलने वाले। पिछली बार हमने ट्रायल से अपना एक कासल बनाया था, तो आज गाइज हम थोड़ी फार्मिंग करने वाले हैं। तो गाय भैंस को लाने वाले हैं, विलेज ढूंढने, आयरन कार्मर बनने, बहुत कुछ करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जुड़ने चैनल कर देना, मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। देखो यार, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, वीडियो देख के सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई, कर देना सब्सक्राइब, लाइक भी कर देना। चलो शुरू करते हैं आज के माइनक्राफ्ट। गाइस यार, हम लोग अपने माइनक्राफ्ट के अंदर आ चुके हैं। ये हमारा ट्रायल है जो मैंने पिछली बार एकदम खतरनाक बना दिया था, और मैंने कासल भी बनाया था जो आपको मैं टूर दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये कासल का पूरा इंटीरियर बनाया था जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कोई पता यार, अच्छे ब्लॉक तो बिल्कुल नहीं है भाई, ये कॉबल स्टोन और दो मिनट से कौन बनाता है। बट यार अभी इतना वो भी नहीं है, ठीक है, इतना रिच भी नहीं है हम लोग कि भाई डायरेक्ट गोल्ड का ब्लॉक भी बनाए। ये गोल्ड के ब्लॉक भी बनाएंगे, ठीक है, मैं ऐसा मजाक नहीं करूँ, मैं गोल्ड के ब्लॉक से नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा एक दिन गोल्ड का मेटल। बट चलो सबसे पहले हम खेती बाड़ी कर ले, बट भाई लीट उगी नहीं। हाँ मैं पिछली बार लगा करने की याद है। तो गाइस जैसा मैंने पहले बोल दिया था, हमारा जो मेन टारगेट है अभी आज का तो पूरा बाहर ही है, ठीक है। तो पहला काम अभी जाते हैं विलेज ढूंढने के लिए, और मेरे को विलेज की डायरेक्ट पूरी पड़ता है बिकॉज मैंने थोड़ा रिसर्च, मतलब रिसर्च करके मैंने फिर ढूंढा है, ठीक है, वर्ल्ड मैप जो है उसके थोड़ा ढूंढा है। तो मेरे को मतलब जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं विलेज के, तो वो इसके ही है, इधर की है, थोड़े आस पास ही होंगे शायद, मैं एक बार देख लूँ इधर की है। हाँ ये मेरे को इधर विलेज तो मिल जाना चाहिए शायद से, शायद मेरे को थोड़ा टाइम दो, वैसे इधर ही है विलेज, मैं देख, शायद मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, इतनी जल्दी विलेज की यार। अरे भाई क्या है भाई, तेरे को निकल जाए, परेशान करके बैठो ऐसे, सिर्फ परेशान कर रहे उनको, भागो ऐसे, काम धंधा बिल्कुल नहीं कर रहे, सिर्फ परेशान करते रहे। तो गाइस मैं ये कह रहा था कि मेरे को विलेज मिल चुका है, एंड विलेज में सबसे पहले आते हम क्या एबल लूटते, चलो वो करते हैं। गाइस मेरे को विश्वास नहीं हो रहा भाई, इतना अच्छा लग भाई, मेरे को इधर दो दो गोला मिल गया, वो ये बेल इतने सारे है भाई, उसका लक एकदम चमक रहा है। चलो ये कर ले। तो गाइस मैंने सारे के सारे हेबेल तोड़ लिए, टोटल हमारे पास 34 हेबेल है। अब चलते हैं गोलम की पिटाई करने के लिए, जो विलेज में आके हमेशा करते हैं, एंड मैंने थोड़ी आयरन में भी अपग्रेड हो दी है बिकॉज मैंने माइनिंग की है थोड़ी, ठीक है, मैं बेला बंदा नहीं हूँ कि अरे मजे मार रहा हूँ, ठीक है, मैंने माइनिंग की है, एंड माइनिंग करके मैंने एक शील्ड बनाई है, ये बनाई है, और एक आयरन पिकैक्स बनी है, वो एडवांस में आपको दिखा दूंगा, विश्वास नहीं है। तो आज हमको कुछ भी नहीं करना, आज हमको आयरन कार्नर बनाना ही है किसी भी हालत से, यानी गोलम। ओके लेट्स गो, अभी हमारे पास फुल एरिया है, अभी गोलम की पिटाई, चलो। गाइस इस गोलम ने भाई मेरे को सिर्फ 3 आयरन दिए, जिससे मैं क्या मतलब मच्छर मारने वाला हूँ या आयरन कार्नर में बिल्कुल नहीं करता, मेरे को लग रहा था भाई ये आयरन दे देगा तो इजीली मैं शायद से आयरन कार्नर बना पाऊंगा, बिकॉज 3 आयरन अगर दो दो गोले में 6 आयरन दे देते हैं टोटल 12 आयरन होंगे, और मेरे को इतनी भी ज्यादा ग्राइंडिंग नहीं करनी पड़ेगी, बट वो करनी पड़ेगी, ये गोलम से थोड़ी उम्मीद है। चलो देखते क्या करते ये गोलम, रुको पहले इसको ज़ॉम्बी मार लेंगे। ओ भाई रॉक स्लैम एकदम, अंडरटेकर बनोगे, हां अंडरटेकर, इधर आओ। तो गाइस मैंने दो गोला मार दिए, एंड इसकी साइड से मेरे को आयरन अच्छे खासे तो मिल गए, 8 आयरन मिले, 3 मिले थे पहले, तो इसमें मेरे को साथ 6 आयरन दिए, इससे मेरे को 6 आयरन दिए, ठीक है, इससे मेरे को 6 आयरन दिए, एंड इससे मेरे को 8 ही आयरन मिले, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये सिद्धी जो निकल यहाँ से भाई, परेशान करके बैठा हुआ, आ जा लड़ना है तेरे को लड़ना है। ओ लिले मैं डर गया, मैं तो डर ही गया, आ जा रुको गाइस मैं थोड़ा खाना खा लूँ, आज WWE कर, आ जा मैं तो डर गया, आ जा आ जाओ भाई, मैं तो डर गया, तुमको एक्टिंग चाहिए भाई, मेरे को एक्टिंग चाहिए, बता मैं बजाऊंगा तुमको, ऐसे मतलब इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, मैं बजाऊंगा, एंड मेरे पास 4 एक्टिंग आ चुके हैं,
और गाइस एक चीज मैं बताना भूल गया था, मैं जब ऑफलाइन गेम पे बैठा हुआ था तब मैं मर गया था एक बार, तो मेरे पास एक भी एक्सपी नहीं है, ये आपने की नोटिस की होगी। चलो सो लेते हैं, बिकॉज रात होगी, अभी रात में काफी है। गुड मॉर्निंग गाइस, दूसरा दिन हो चुका है एंड हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टाइम पास किया है और विलेज में आके हमने लूट पाट कुछ भी नहीं किया। तो चलो अभी शुरुआत करते हैं ब्लैकस्मिथ के घर के साथ इस दिन में। चलो ब्लैकस्मिथ का घर ढूंढता हूँ, इधर ही आसपास ही होना चाहिए, चलो ढूंढते इधर ही कहीं होना चाहिए। ब्लैकस्मिथ का घर कहाँ से लगा भाई? ओए विलेजर, तू मेरे को बता ब्लैकस्मिथ का घर किधर है? इस साइड को ठीक है भाई, चलो मान लेते इसकी बात, सही बात तो इधर ही होता है यार, हमेशा मैंने देखा है। ओ भाई बिल्कुल सही बोला इसने, और इधर हेवन भी मैं कलेक्ट करूंगा। सबसे पहले हमारा लक कहता है वो देखते हैं, मेरे को ब्लैकस्मिथ के घर पे जो मेरे को आयरन मिलता है उसका पता है, और इससे मेरे को थोड़े ज़्यादा आयरन मिल जाने चाहिए, ठीक है दो तीन आयरन भी दे दोगे तो बिकॉज मेरे को इतना ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा। चलो 1 2 3 चलो खुलते। ओ भाई हो गया भाई, मेरा काम तो हो गया, मेरे पास अभी 13 आयरन आ चुके हैं, अभी आराम से मैं आयरन का आर्मर बना सकते, मुझे थोड़े ग्राइंड करने में थोड़े इधर रख के आऊँगा एंड मैं इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जल्दी से जाकर वो हेबेल तोड़ लेता बिकॉज वो मेरा इंतजार है। और गाइस आज हमको थोड़ी जानवर भी लेके आ जाना है, ठीक है बिकॉज हमारे पास जो हमारा कासल है आने के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे को हर बार मानने जाना पड़ता है, मतलब शिकार करने जाना पड़ता है हमेशा, बट इस बार वो चीज़ नहीं होनी चाहिए तो इसके लिए हम जानवर भी लेके जाएंगे, इसीलिए हम थोड़े वीट लेके जा रहे हैं बिकॉज इससे वो लोग आ जाएंगे, दो वीट से भी चल जाएगा, वो लोग तो आ ही जाएंगे आराम से, इधर से कुछ भी नहीं, उसको टेम थोड़ी ना करना है, उनको लेके जाना। मैं काम करता हूँ, एक मैं लेके चल ठीक है बिकॉज ये काम मैं पहले कर लेता हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओए पिगी चलो आ जाओ, चलते। अच्छा हाँ मैं और एक चीज तो भूल गया भाई, मैं गधा हूँ भाई, पिगी थोड़ी ना खाता है भाई, मैं पागल हो गया भाई, पिगी थोड़ी ना वीट खाता है, पिगी तो कैरेट खाता, कैरेट तो मेरे पास है भी नहीं। ओ चल आ जा, ये दूसरी वाली चीज को भी लेकर चलते, चलो 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 तुम लोग चलो भाई यहाँ से आ जाओ, जल्दी 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 आ जाओ, जल्दी तुम लोग भी चलो आ जाओ, ओ चीज आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट आ जाओ, जाओ जल्दी जल्दी लाइन से हाँ ठीक है चलो मजे से मजे आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, लंगर बट रहे ठीक है, जल्दी आओ भाई जल्दी आओ, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, जल्दी भाई यार आ जाओ यार। ये गाइस मैं इनको लेके चलता हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा दिक्कत करने वाला है, बिकॉज मैं एक बार पानी में भी गिर चुका हूँ, चलो चलते। गाइस मजाक मजाक में तो मैंने चीज खिला ही है, और मेरे को इधर काऊ भी मिल चुके हैं, दो काऊ जो मैं आराम से लेके जाऊंगा इनको एंड मजे से लेके जाऊंगा, तो चलो वो भी कर लो। Mm-hmm.
गाइस मैं ये ले नहीं जा रहा था और इनसे मैं पंगे ले ही रहा था और ये स्केलेटन मेरे पंगे पर गए। क्यों पंगे पर? तो हम हमेशा यार इनका यही है भाई, मजे बिल्कुल लेने नहीं देते। आ जाओ नहीं 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 मैं तुमसे डरता हूँ ना, मैं डरता हूँ ना तुम लोगों से, नहीं मैं डरता हूँ मेरे को भी पता है मैं डरता हूँ थोड़ा मेरे को भी डर लगता है भाई। भाई मैं सारे के सारे काउ खो दूंगा यार। गाइस एक क्रीपर की वजह से सब कुछ हुआ है, इसकी फैसियाँ जिसकी मैं कर दूंगा। चलो रुको इसको मैं मार के आ दूंगा। आज की गया ये ले दे, बहुत हो गया भाई, पंगे ही लेने जा रहा है। चलो मैं थोड़े पास तो लाई चुका हूँ, दोबारा से कनेक्ट करो। गाइजर में लेके कितने सारे लेके आया था और ले कितने सारे जा रहा हूँ भाई, दो तीन लेके जा रहा हूँ। और ये स्केलेटन ये मेरे से पंगे क्यों ले रहा है भाई, मत लेना पंगे, पिट जाएगा जे फालतू में, इधर आ बेफालतू में पिट जाएगा। बार बार बोल लो, मजाक नहीं समझ रही इसको, बेफालतू में पिट जाएगा, मजाक नहीं करे। ओए आ जाओ भाई सारे के सारे, पार्टी हो रही है इधर, आ जाओ जल्दी। हाँ जल्दी 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 आ जाओ जल्दी। और वो स्केलेटन और स्पाइडर की फाइट हो रही है और मैं इधर मजे मार रहा हूं। ओए काऊ को मत मार, तेरी भैंस क्या, तेरे को मैं नहीं खेलूंगा, तेरे को तो मैं नहीं खेलूंगा। ओ भाई मरी गया वो, मजाक मजाक यार, इतने सारे लेके आया था, तीन ही लेके जाने पड़ेंगे सिर्फ। चलो थोड़े इकट्ठे करते हैं। फाइनली मैं सारे के सारे को लेके आ चुके और जल्दी चलो यार, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास, तुम मेरे को 10-10 घंटे बैठाओगे क्या? जल्दी चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट आ जाओ सारे के सारे, आ जाओ सारे के सारे। अरे सारे कोई रह तो नहीं गया, कहाँ जा रहा है? ऊपर ऊपर भाई, ये मजे ले रहे मेरे से, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इतना टाइम मेरे को लग गया ना, इतना टाइम मेरे को सही में नहीं लगा होगा। कोई बात नहीं, थोड़े पावर स्टोन भी वेस्ट हो गए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट जल्दी से भाई इनको तो लेके आ गए, तो चलते जल्दी से जाके सोचते हैं, बिकॉज हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी ना कुछ। और ये बार बार निकल जाते हैं यार, इनको मैं क्या बताऊंगा गाइस, इन्होंने तंग करके रखा। जल्दी आ जाओ जल्दी, मजाक नहीं कर रहा, आ जाओ यार। यो भाई आ जाओ आ जाओ जल्दी, अंदर अंदर, हाँ अंदर आओ, दिमाग खा के रखा है पूरा, आ जाओ सारे के सारे, इधर इधर इधर, हाँ इधर आ जा, आ जा जल्दी आ, सारे के सारे इधर आओ, हाँ आ जाओ आ जाओ, उसको खिला दिया। चलो अभी पटाख से चलते, ये बनते चलो भाई, अब ये टेक्निक यूज करनी पड़ेगी मेरे को, और मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता गाइस। चलो अभी जाके सोते हैं और दूसरा दिन करते हैं, बिकॉज भाई बहुत मेहनत कर ली है, अब दूसरे दिन में जाके आयरन की माइनिंग करेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो चलो गाइस मेरे पास थोड़ा टाइम दो, मैं कर लूँ। गाइस यार मैंने सारे सारी की बकरी और गाँव को मैं लेके आ चुका हूँ, और भाई मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग गया एक 4 या 5 को लेने में, और मेरे को गेट भी लगाना, मेरे पास गेट होना चाहिए भाई, एक गेट ही नहीं है, वाओ तो मैं कहाँ रखूँ इनको, नहीं तो बाहर निकल जाएंगे। चलो कोई नहीं, हमारा राइट फर्स्ट टारगेट हमने कंप्लीट कर दिया,
सेकंड टारगेट भी हमने कंप्लीट कर दिया, अभी थर्ड टारगेट है आयरन का आर्मर बनाना जो हम करने वाले, ये काम हो गया तो अभी चलते उसके लिए। और फिर पिकैक्स सारे के सारे मैं ले आया था, मैंने थोड़ी ग्राइंडिंग की है ठीक है, उसके बाद मैंने अनबॉक्स किया वीडियो, तो मैंने थोड़ी ग्राइंड करके पिकैक्स बना ली। अभी चलते हैं नीचे और मेरे को अभी पूरा लेवल याद है, तो मैं अच्छी जगह से खोदूंगा बिकॉज जहाँ पे आयरन मिल जाए, वरना मैं बार बार भूल जाऊँगा ठीक है। मैं एक डायरेक्शन बना देता हूँ इधर ठीक है, एक दो तीन चार डन, यहाँ से खोदना शुरू करते हैं और नॉर्थ डायरेक्शन तक जाएगी और मैं एक बार कोऑर्डिनेट भी खोल लूँ। 62 हमको नहीं जाना है, हमको जाना है कहाँ पे जाना है, हमको -62 जाना था, क्या जाना था गाइस मेरे को याद नहीं है, -62 ऐसा कुछ जाना है। तो चलते हैं अभी नीचे एंड डायरेक्ट आपको मिलते हैं वही लेवल पे डायरेक्ट ठीक है। और मैं टोर्च लाना था कि दोबारा से यार, ये मैं क्यों करता रहता हूँ यार हमेशा गाइस, ये मेरे को कभी भी याद नहीं रहता, मैं मजाक नहीं करेगा, ये मैं कभी भी याद नहीं रहता, मेरे को टोर्च लाने दोबारा से जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इस जगह से खोदे, इसलिए मैंने बोला था कि मैं घूम तो नहीं जाऊँगा कासल से, टेंशन नहीं, मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट का स्क्रीनशॉट लेके रखा है, अगर मैं दूसरी जगह में पहुँच भी गया मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से जा सकता हूँ। बट दिक्कत ये है कि अगर टोर्च नहीं होगा तो अगर बाई चांस जॉम्बी जो है मैं बाई अटैक कर सकता हूँ ठीक है, मजाक नहीं करो सीरियसली अटैक है, तो इसीलिए हमको टोर्च ले। तो गाइस यार मैं ये कह रहा था कि भाई मैं बार बार टोर्च लाना मैं हमेशा भूल जाता हूँ और इसीलिए मेरे को थोड़ा माइनक्राफ्ट में याद नहीं रहता, बट अब चलो इधर टोर्च है मैं फटाक से उठा लूँगा बिकॉज मैं कोल माइन करने दोबारा, और मेरे पास एक टेक्निक भी है लेकिन मैं इधर से नहीं, एक काम कर यार वो उस जगह से लैंटर्न उठा के लेके आता हूँ, इतने सारे लैंटर्न है भाई मैं क्या करता रहता हूँ भाई, उस जगह से एक लैंटर्न उठा के लेके आ गया खत्म बात हो गया भाई, वही करना था मेरे को गाइस। चलो एक बार ऊपर चल के आता हूँ बिकॉज भाई मैं नीचे से टोर्च और चोरी कर लूँगा तो ये गाय भैंस नहीं मर जाएगा, और वो सीन हो गया ना तो भाई हो गया पोपट भाई, ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए, इसलिए एक टोर्च यहाँ से उठा के लेके चलते हैं, घर में बाद में लगा देंगे कोई टेंशन की बात नहीं है, स्क्रीन हटाओ और ये लो। चलो अब चलते हैं माइनिंग करने के लिए और मैं एक डायरेक्ट छलांग मारने की सोच रहा हूँ, बट वो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा बिकॉज उसके कारण मैं मर सकता हूँ, बिकॉज नीचे किसी भी नहीं है, मैंने जैसा मैंने बोला था ये स्काई कासल है तो नीचे किसी भी नहीं है, मैं डायरेक्ट ही मर जाऊँगा, तो वो वाटर बकेट होगी तो कर दूंगा, कल एक काम करेंगे ठीक है, जब हम स्विमिंग करेंगे ना इसकी मैं स्विमिंग करने वाला हूँ तो तब मैं वाटर बकेट एमएलजी करके आपको दिखाऊंगा स्विमिंग करने ठीक है। अभी के लिए चलते हैं वो कोबलस्टोन वाली एरिया पे और माइन करते हैं, हमको जाना है -64 में, तो चलो चलते हैं -64 में, शायद -64 में जाना है ठीक है, -64 में जाना होगा शायद गाइस, तो चलो चलते हैं जल्दी से -64 में। गाइस आयरन ढूंढते हमको एक आयरन तो मिल चुका है जो मैं फटाक से उठाने वाला हूँ, और हमको इसके लिए ये पिकैक्स नहीं फेंकनी पड़ेगी, हमारे पास वाई टूल, यार वाई टूल फेंकना मेरे को पड़ेगा बस, उसका तो कोई काम नहीं है, ऐसे भी देख ही देते ठीक है, निकलो भाई तुम निकलो, हरकत मत करो ठीक है। ओ भाई बहुत सारा आयरन है, मैं यहाँ से मेरे को आयरन में बहुत सारे उठा सकता हूँ, बस मेरे को ये फेंकना पड़ेगा वाई टूल, यार क्या करो अभी देखना तो पड़ेगा। चलो ये मैंने फेंक दिया और कितने आयरन है एक बार काउंट करते हैं, दो और है, होने तो चाहिए, प्लीज हो यार प्लीज हो, मजाक नहीं करो मैं बहुत ज्यादा तोड़ना, वो है भाई बहुत ज्यादा है, दो हो गए, तीन हो गए, कितने हो गए, चार ठीक है, 13 + 4 14 15 16 17 आयरन हमारे पास हो चुके हैं, हमको टोटल 35 आयरन इकट्ठे करने हैं, जो बहुत इजीली मैं कर सकता हूँ, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बट मैं इधर इसीलिए देख रहा हूँ बिकॉज इधर होना चाहिए मेरे हिसाब से होना चाहिए, अगर है तो सही बात है, अगर नहीं है तो दोबारा से कोचिंग चलेंगे और माइनस
डायरेक्ट जाएंगे माइनस कितने में, माइनस 64 से। चलो स्टार्ट करते हैं, माइनस 64 में जाना। और एक गाइस मैं काम कर लेते ठीक है, माइनस 64 से जाने से पहले जहां पर मेरे को आयरन मिला था ना इधर मैं थोड़ा खोल दूँ ठीक है, बिकॉज इधर साइड से मेरे को मिल जाए थोड़ा, अगर मिल गया तो बहुत सही बात है, बिकॉज होना तो चाहिए गाइस थोड़ा खोलता हूँ इधर। गाइस आयरन नहीं मिला, डायमंड जरूर मिल गया भाई, लक देख रहे हो भाई, पहले दिन ही डायमंड मिल गया भाई। चलो बन गया हमारा काम, डायमंड आयरन लेने आते डायमंड लेके जा रहा हूँ, कितने डायमंड, तुम निकलो यार परेशान करके बैठे हो। चलो कितने डायमंड एक बार काउंट करके देखते हो, एक ठीक है, इधर और एक होना चाहिए शायद, एडवांसमेंट डायमंड यार माई फेवरेट एडवांसमेंट यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं डायमंड के लिए इतना वेट करता हूँ, मजाक सीरियसली मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा भाई, मैं इतना नीचे आ चुका हूँ ना, मैं मजाक नहीं कर रही सीरियसली भाई, एकदम माइनस पे आ चुका, अभी आयरन लेने चले थे डायमंड ही मिल गया, बट डायमंड से कुछ नहीं होगा, हमको चाहिए होगा आयरन ठीक है, बिकॉज हमारा टारगेट आज डायमंड ढूंढना नहीं था, आयरन ढूंढना था और एक आयरन का आर्मर बनाना था जो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक का, जो हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो चलो ढूंढते हैं। गाइस देखो मैंने बहुत सारे पत्थर तोड़ दिए, मेरे को इधर नहीं मिला है, तो अभी मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, मेरे पास दूसरा ऑप्शन कुछ भी नहीं है, मेरे को नीचे जाना पड़ेगा ठीक है, अभी चलते हैं डायरेक्ट वही लेवल पे जो हमने गूगल से इन्फॉर्मेशन लिए, तो चलो चलते हैं। गाइस एकदम हम आयरन के लेवल में पहुंच चुके हैं और ये हमारा -56, -64 नहीं होता -56 होता है, तो -56 से मिल जाना चाहिए आयरन, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रिप माइनस। गाइस मेरे को इस कोऑर्डिनेट पे तो हमको नहीं मिला -58, मेरे को बोला गया था, मेरे दोस्त ने भी बोला कि -58 से मिल जाता है, पर -58 से हमको नहीं मिला, तो इसके लिए हम लोग जा रहे हैं -15 पे, मतलब -15 पे नहीं 15 पे जाना है, y=15 पे जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं y=15 पे, ज़्यादा डिगिंग नहीं करनी पड़ेगी, ऊपर ही होगा y=15, तो चलो चलते हैं। गाइस फाइनली इतना ढूंढ के हमको आयरन 4 तो मिल ही चुके, 4 नहीं है बहुत ज़्यादा है भाई, ये भाई हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है भाई,
हो गया भाई हम लोग का काम शायद वही है बस। ऊपर और है शायद, रुको मैं एक बार देख क्या। तो मैं खोजते खोजते मैं के भी पहुंच गया डायरेक्ट, फिर भी मेरे को मिल ही गया फाइनली, मतलब मेरा लक थोड़ा थोड़ा अच्छा है ठीक है, इससे मैं काउंट कर सकता हूँ। और ये केव है तो इधर और आयरन होना चाहिए, मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा। और यस इधर और ज़्यादा आयरन है, लेफ्ट को भाई हो गया, मेरा काम तो बन गया, मेरा काम बन गया भाई, मेरा हो ही गया काम। बिकॉज हमको कितने आयरन चाहिए थे, हमारे पास 13 आयरन आ चुके हैं। और काउंट करके अगर देखे तो रुको कोई ऊपर जैसा, तो काउंट करके अगर देखे 13 + 13 इक्वल टू कितना होता है, तो 13 + 13 इक्वल टू गाइस रुको ठीक है, 13 + 13 इक्वल टू टोटल होता है, रुको मेरे को देखना पड़ेगा वो। और थोड़े घर पे मैंने आयरन सोचा हो तो 13 + 13 इक्वल टू 26 होता है, और हमको और 4 आयरन चाहिए जिससे हमारा काम बन जाएगा इजीली, बहुत इजीली बन जाएगा। और इधर और आयरन होना चाहिए प्लीज़ है, इधर नहीं है, इधर और नहीं है भाई गाइस, इधर और आयरन नहीं है, बट इधर और आयरन होगा बिकॉज हमको ये डीप प्लेट वाला आयरन भी हमको चल जाएगा, तो सेम ही है ठीक है। हमारे पास अभी हो चुका है 13 ओके, तो टोटल मैं कोशिश करूँ इधर मेरे को 25 ही कटेगा, 90 नहीं ठीक है, अब काउंट करके देखते। नहीं 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 आप 20 कितने थे वैसे, नहीं और थोड़े चाहिए होंगे हमको, मैं घूम तो नहीं जाऊँगा ठीक है, मैं इतना भी भुलक कर नहीं हूँ। क्रीपर है उधर, क्रीपर पागल यार, ये इसको फटना ही है भाई, इसको फटना ही है हमेशा भाई। चलो हमारा काम तो गाइस हो चुका है बिकॉज हमको जितने आयरन चाहिए तो उतने हमारे पास है ना है। बिकॉज देखो अभी मैं काउंट करके वह आपको दिखा दूंगा, 23 1 2 3 और 4 लेट्स गो, हमारे पास टोटल 27 आयरन है और 13 आयरन हमारे पास पहले से है। तो एक सेकंड रुको 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 भाई, परेशान मत करना ठीक है, कोई मजे मजे नहीं ले रहा हूँ मैं। 27 + 13 इक्वल टू 40 आयरन हमारे पास है, तो हमारा काम बन चुका है, तो अभी यहाँ से निकल लेते ठीक है। तो चलो यहाँ से निकल लेते अच्छे बच्चे की तरह ठीक है, अभी हमारा काम बन चुका है, अभी यहाँ से निकल लेते अच्छे बच्चे की तरह। तो चलो हम कहाँ से आए थे, इधर इधर ही कहीं से आए थे, बट मेरे को याद नहीं आ रहा है, मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा। ओके हम यहाँ से आए थे, और क्रीपर सर बाय बाय, आपका काम बन चुका है, हम जा रहे हैं ठीक है भाई। मत आना भाई, मजाक नहीं करो, बहुत मेहनत से करना पड़ा ठीक है, मत आना भाई। ये जगह ही नहीं है, वाओ मैं कहाँ से आया था, हाँ मैं कहाँ से आया था रुको मेरे को देखना पड़ेगा, हाँ मैं शायद से यहाँ से आया था, हाँ यस 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 मैं पहुंच गया। चलो चलो भाई यहाँ से निकल लेते, शायद मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ ऊपर ही। और इधर ये कारण पहले से पर मैंने देखा नहीं यार, मैं पागल हूँ क्या, मैंने देखा नहीं भाई, नोटिस ही नहीं किया मैंने, इग्नोर मार दिया ठीक है। अभी हमारे पास टोटल बहुत ज़्यादा आयरन है, बिकॉज हमारे पास 33 34 भाई साहब हो गया, 33 हो गए और इधर 13 भाई हो गया भाई, काम तो हो गया ठीक है। अभी यहाँ से निकल लेते पहले फीचर में ठीक है, काम तो हमारा बन चुका है, अभी चलते ऊपर और पता नहीं कहाँ निकलने वाले हैं, शायद से अच्छी जगह निकल जाए भाई ठीक है भाई, अच्छी जगह निकल गए तो बहुत सही बात है भाई साहब, कहाँ निकलने वाले जो देख ली भाई, नहीं अच्छी जगह निकलेंगे। चलो चलो निकलते हैं भाई, यहाँ से निकलते हैं, हमारा काम हो चुका है, अभी नीचे खोदते खोदते मतलब ऊपर खोदते खोदते निकलते हैं। गाइस फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं और हम कासल के बैक साइड में स्पॉन हुए, तो फाइनली हमने तीनों के तीनों टास्क कंप्लीट कर दिए। शीप हमको लाना थे, शीप और बकरियों को लाना था, जो फार्मिंग जो हमने की वो भी हमने कर दिया पहला टास्क। दूसरा टास्क नहीं, पहला टास्क हमको विलेज ढूंढना था, विलेज तो हमने ढूंढ दिया। दूसरा टास्क था हमको बकरी और टाइगर को लाना, उनको भी हमने ला दिया।
और तीसरा जो मेन टास्क था, जो इस वीडियो का मेन मोटिव था, आयरन कार में बनाना, वो भी हमने कर दिया। और चौथा टास्क, मजे मजे में हमको डायमंड भी मिल गया। देख रहे हो भाई, लव देखो, मजे मजे में हमको डायमंड भी मिल गया। तो चलो अभी चलते हैं ऊपर, और आज हम आयरन कार में नहीं बनाएंगे बिकॉज रात हो ही गई है, सुबह सुबह करेंगे बिकॉज नेक्स्ट डे, तो भाई और अच्छी बात है। तो चलो चलते हैं दूसरे दिन के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, न्यू डे हो चुका है और अभी हमारे पास टोटल 33 आयरन है एंड 13 एक्स्ट्रा है और एक डायमंड है। एंड इस एक डायमंड को मैं मस्त से अपने चेस्ट पे रखने वाला हूँ। और हमारे पास और दो है आयरन, ठीक है, हमारे पास और दो आयरन है जिससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बट सबसे पहले इनको रखते अच्छे से, ठीक है, बिकॉज फालतू का सामान हमको नहीं चाहिए होगा। ठीक है, एक टिकट जो काम की उसको निकाल लेते हैं। और हमारे पास एक है आयरन की टिकट, एक डायमंड को हम इधर रखेंगे, 15 आयरन इसको इधर और इसको इधर। और हमारे पास एक शील्ड है जो हमको जरूरत पड़ेगी और एक कोट शॉप भी हमको चाहिए होगा। तो टोटल हमारे पास ये दो सामान इम्पोर्टेंट है। तो अभी खाना पकाते हैं। हमारे पास 64 कोल है, मैं यहाँ से कोल निकाल के आराम से टोर्च बना सकता हूँ। आप लोग भी सोच रहे भाई क्या बन रहा है, बट यार इतना मेहनत कौन करे, ठीक है। तो अभी गाइस इसको पकने देते हैं। हमारे पास 15 आयरन पहले से ही है, हमको टोटल कितना आयरन पकाना है। 15 आयरन हमारे पास पहले से है, तो हमको 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 हमको टोटल 23 आयरन 25 आयरन पकाना है। तो चलो चलते हैं 33। एक काम कर, 33 आयरन को पूरा स्मेल्टी कर ले, ठीक है, बिकॉज उससे हमारा काम बन जाएगा। तो चलो गाइज इसको पकने देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ये पकने के बाद आप लोग सुनिए। गाइज हमारे पास टोटल 35 आयरन आ चुके हैं जिससे हम पूरा का पूरा आयरन आना इजिली बना सकते हैं। और पूरा स्मेल्ट भी हो रहा है और धीरे धीरे स्मेल्टिंग होती रहेगी। बड़ा बनाते अपना आयरन का आर्मर, और इस आयरन के आर्मर से हमको कोई भी नहीं मार सकता, ज़ॉम्बी से हमको छू भी नहीं। तो अभी धीरे धीरे इस वर्ल्ड के हम राजा बनते बनते जा रहे। एक दिन एकदम मतलब नेदरक के आर्मर से भी हम बनाएंगे, बट वो दिन मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, इतना भी पाई मजाक करो, वो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। तो आप लोग अगर सपोर्ट ज़्यादा दिखाओगे तो कभी वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है, अगर आपको सपोर्ट ज़्यादा दिखाओगे तो कभी वीडियो जल्दी आएगी। तो इसलिए अब कोशिश करो सपोर्ट ज़्यादा दिखाओ तो वीडियो में जल्दी डाल दूंगा। तो चलो अभी बनाते हैं अपना आयरन का आर्मर। और ये एक, ये दो, और मैं बार बार क्राफ्ट नहीं कर रहा, ठीक है, बिकॉज मैं ऐसे रेसिपी इधर डालूंगा बनाऊंगा तो इससे दिमाग खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास आयरन का आर्मर पूरा है ही, स्वॉर्ड है, टिकट सब कुछ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं बनने वाला। बस एक चीज़ मैं बनाने वाला इम्पोर्टेंट, जो है हमारी वाटर बकेट और एक फ्लिंट एंड स्टील। लेकिन फ्लिंट एंड स्टील बनाने में ग्रेवल होगा नहीं, ग्रेवल तो, ठीक है चलो इसको रख देते हैं, ठीक है। ये 8 आयरन हम रख देते हैं और हमारा ये पक ही चुका होगा। और इधर 8 है, तो इधर ये रखो, हो गया 15, इधर से निकलेंगे थोड़े। तो गाइस हमने पूरा का पूरा वीडियो का टारगेट कॉम्प्लीट कर दिया है फैन से अपने आयरन के आर्मर से। तो गाइस भाई देखो मस्त लग रहा है, ठीक है, अब लग रहा है ना राजा राजा, एकदम राजा वाले फीला है। अब ले लो भाई पंगे, अब धो डालूंगा भाई, अब आ जाओगे ना तो धो डालूंगा ज़ॉम्बी, बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने तीनों के तीनों टारगेट कॉम्प्लीट कर दिए, विलेज ढूंढना था, बकरियों को लाना था, कर दिया, और उनको थोड़ा ब्रीड व्रीड भी मैंने कर दिए, ठीक है, बिकॉज एक प्रजाति थोड़ी ज़्यादा रही है तो मैंने उनको ब्रीड भी कर दिए। और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट काम था आयरन ढूंढना, टाइम थोड़ा लग गया बट काम तो भाई अपने भाई ने कर दी, ठीक है, तो मैंने काम कॉम्प्लीट कर दिया। और हम ऐसे मतलब चैलेंजेस ले लेके पूरे सर्वाइवल सीरीज कॉम्प्लीट करेंगे ताकि हमारे पास एक हार्ड वाला सिस्टम है। बिकॉज ऐसा अगर होगा ना कि भाई एकदम मजे से खेलो यार, वो मजा नहीं है। तो थोड़ा गेम हार्ड होना चाहिए कि जल्दी बीट कर, इतनी मतलब ऐसे 50-100 एपिसोड वो चीज़ नहीं है, मतलब 13 एपिसोड 12 एपिसोड में पूरा बीट कर दो एंडर ड्रैगन को, सॉरी एंटिटी को, ठीक है। तो ये चीज़ मैं करने की सोचूंगा और ये मेरे दिमाग में पहले सोच के रहता है। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, गुड बाय।